मनोज महलावत द्वारा किशनगढ़ की गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों के बीच में गमछा भी बांटा और काढ़ा भी दिया। और आपको बता दें कि सेवा सप्ताह के तहत वो स्वच्छता भी करते नजर आए हैं और जिस तरह वो लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सामान वितरण कर रहे हैं, वैसे उन्होंने गायों को हरा चारा भी खिलाया। आइए देखते प्रियंका झा की रिपोर्ट। सेवा सप्ताह अभियान के दौरान किशनगढ़ गौशाला पहुंचे वसंत कुंज वार्ड 69S के निगम पार्षद मनोज महलावत। यहां पर उन्होंने गायों की सेवा करी और उनको हरा चारा खिलाया, साथ ही साथ उनको गुड़ भी खिलाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा सप्ताह अभियान मनाया जा रहा है। एक हफ्ते तक इस तरीके का सेवा सप्ताह अभियान चलेगा। उसी क्रम में अलग अलग जगहों पर जाकर बीजेपी के निगम पार्षद हों या कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से सेवा सप्ताह अभियान में भाग ले रहे हैं और सेवा सप्ताह अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में किशनगढ़ गौशाला में गायों की सेवा करने के लिए पहुंचे वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत, जहां पर उन्होंने गायों को हरा चारा खिलाया और साथ ही साथ गुड़ खिलाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किशनगढ़ गौशाला की, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मनोज महलावत लोगों गायों की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ गायों की देख रेख करने वाले कर्मचारियों को भी यहाँ पर उन्होंने सम्मानित किया। यहाँ पर गमछा देकर और साथ ही साथ उनको काढ़ा देकर मनोज महलावत ने उनकी हौसला अफजाई करी, क्योंकि लगातार गायों की सेवा करने वाले सफाई कर्मचारी यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं और वही इनकी सेवा करते हैं और इसलिए उनकी हौसला अफजाई भी यहाँ पर खुद मनोज महलावत ने करी। पहले तो जो गौशाला के प्रधान हैं उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर मनोज महलावत ने गमछा देकर और काढ़ा देकर सम्मानित किया। तस्वीर हम आपको किशनगढ़ गौशाला की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सेवा सप्ताह अभियान के दौरान वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर देखिए बारी बारी से सोशल डिस्टेंस बनाकर जितने भी सेवादार हैं जो गायों की सेवा करते हैं उनके यहाँ पर गमछा पहना रहे हैं, साथ ही साथ उनको काढ़े का वितरण भी कर रहे हैं। लगातार ये अभियान चलता रहेगा और जिस तरीके से आपको बता दें कि 14 सितंबर से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, 20 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 17 सितंबर को था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं कि बीजेपी के निगम पार्षद अलग अलग जगहों पर जाकर अपने वार्ड में अलग अलग तरीके से सेवा सप्ताह अभियान जो है वो मना रहे हैं और लोगों की सेवा करते हुए नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के किशनगढ़ गौशाला की दिखा रहे हैं। जय श्री राम। लास्ट चरण पे पहुंच चुका है, कहां पहुंचे आप और क्या क्या किया आज आप लोगों ने? बिल्कुल जी, सेवा सप्ताह हमारा लगातार जारी है, उसी कड़ी में आज हमने सुबह सफाई अभियान चलाए, अपने क्षेत्र के कुछ शौचालय में सफाई का निरीक्षण किया, जहाँ गंदे मिले उसको स्वयं आगे बढ़कर सफाई उसकी की, कुछ जगह पेड़ मुरझाए हुए थे हमारे क्षेत्र में, उनमें पानी डालने की व्यवस्था की। उसी कड़ी में मैं अपने गांव की गौशाला किशनगढ़ जो महरौली देहात जिसको चलाता है, आसपास के सभी गणमान्य हमारे जितने भी वरिष्ठ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सब मिलकर इस गौशाला को चलाते हैं। मैं भी इस गौशाला का एक छोटा सा सेवक रहा हूँ, अब निगम पार्षद बनने से पहले गौ माता के आशीर्वाद से इस दिन देखने को मिला, तो गौ माता का आशीर्वाद रहा। मेरे बड़े बुजुर्ग जो मैंने कई प्रधानों के साथ काम किया, अभी वर्तमान के प्रधान प्रेम सिंह जी, उससे पहले मास्टर हुकम सिंह जी, मास्टर नीर सिंह जी, अपने मुनीरका से मांगेराम प्रधान जी और अन्य सभी जो बड़े बुजुर्ग, सभी का निरंतर कुछ ना कुछ सीखने को मिला अच्छा उनसे, और उसी कड़ी में निरंतर जैसे आता रहता हूँ आज उसी कड़ी में सेवा सप्ताह के रूप में अपनी गौ माताओं को हरा चारा गुड़, अपने जो मेहनती कर्मचारी आप पीछे देख रहे हैं जो गौ माता के असली सेवक हैं, हम तो रोज़ नहीं आ पाते लेकिन ये इतने सौभाग्यशाली हमारा स्टाफ है कि ये प्रतिदिन सुबह उठकर इनको गौ माता की सेवा करने को सौभाग्य मिलता है, तो मैं इनको सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ और मेहनत का तो इनका कोई तोड़ नहीं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहूँगा, एशिया में नंबर वन की गौशाला हमारी किशनगढ़ महरौली देहात की ये गौशाला है, पूरा गुहांड इसको इतने तन मन धन से मिलकर चलाता है, देखने में शानदार और अपने आप में एक बेहतरीन गौशाला का उदाहरण है। तो उसी कड़ी में मैं अपने कर्मचारियों की सेवा के रूप में गमछे काढ़ा
और बाकी अपने बुजुर्ग को आशीर्वाद लेने गौ माता को हरा चारा गुड़ आदि का सेवन कराने के लिए आ जाया था यहाँ। इंसानों के साथ साथ अब सेवा आप लोग उनकी भी कर रहे हैं, गौ माता की भी कर रहे हैं? बिल्कुल, गौ माता तो देखो हमारी माता का दर्जा दिया हमने, तो माता से तो बढ़कर कुछ है नहीं। साथ ही ये पवित्र स्थान अपने आप में डबल इससे भी होता है कि हमारे साथ ही हमारे पूजनीय दादा बाबा लटूरिया महाराज जी की समाधि है, और उस समाधि पे माथा टेक के बगैर कोई हमारे आसपास के क्षेत्र का काम पूरा होता नहीं। तो बाबा लटूरिया का आशीर्वाद भी लिया और गौ माता का आशीर्वाद तो अभी लगातार आपके सामने मिल ही रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे आप उनके लिए? आज क्यों आज, ये तो तकरीबन जो है कई साल से तो ये हमारी प्रबंधक कमेटी में थे, बहुत काम किए इन्होंने हमारी गौशाला के लिए। उसके बाद में जब से ये निगम पार्षद बने हैं तो कम से कम भी नहीं तो 15-20 दिन में जो है यहाँ आते रहते हैं हमारे कर्मचारियों के बारे में। इनको कई दफ़ा यूनिफॉर्म भी, ये अब गमछे भी, दवाइयाँ भी, और वैसे भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, हमें अभी कोई अगर कोई परेशानी हो हम फ़ोन कर देते हैं, एक मिनट में आएंगे। और हमारे साथ जो है बहुत बढ़िया व्यवहार है और हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार है। गौशाला पे आते कितना मनोबल बढ़ता है इनके आने से आप लोगों का, क्योंकि अब जुड़े तो हमारे पहले मेंबर रहे हैं कमेटी के, अगर ये हमारे पास आएंगे तो हमारा मनोबल तो बढ़ता ही है भाई, हमारे साथ खड़े हैं, हमें कोई काम करने के लिए अगर कोई दिक्कत आती है तो हम बताते हैं, क्योंकि ये तो लोकल है यहाँ के, तो हमें जो किसी किस्म की कोई तकलीफ भी होती है तो हम बताते हैं भाई हमें ये परेशानी है, उसमें एक मिनट में आते हैं और हमारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।